आते हो। आज मैं आपके सामने दो सम्मान पुरस्कार ला रहा हूँ। उससे पहले मैंने दो सम्मान पुरस्कार पढ़ा चुका हूँ, ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्यिक पुरस्कार। ये के फिल्ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है और दो सम्मान है, दोनों सम्मान साहित्यिक क्षेत्र में दिए जाते हैं। और वो पहला है व्यास सम्मान और दूसरे सरस्वती सम्मान। दोनों को साहित्यिक भाषा में जो अनुसूची 12 में है उन्हीं भाषा 22 भाषा में दिए जाते हैं। इसमें पहला और लास्ट में अभी किसको अपडेट में दिया गया है ये चीज़ें आपको बताने वाला हूँ और कैसे याद करना ये भी बताने वाला हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। बिरला फाउंडेशन द्वारा दिए जाते हैं 1991 में ये पुरस्कार स्टार्ट किया गया था साहित्यिक क्षेत्र में। साहित्यिक क्षेत्र में 1991 में दो पुरस्कार चालू किया गया। पहला पुरस्कार है व्यास सम्मान, व्यास सम्मान, और दूसरा सम्मान था सरस्वती सम्मान, सरस्वती सम्मान। व्यास सम्मान ये ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद सेकंड बड़ा पुरस्कार सम्मान है जो साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। यह अनुसूची 8 में जो 22 भाषाएं हैं उन्हीं में दिया जाता है। और सरस्वती सम्मान भी 22 भाषाओं में दिया जाता है। इनकी पुरस्कार राशि अलग अलग है। इसकी पुरस्कार राशि 4 लाख है और इसकी पुरस्कार राशि 15 लाख है। पहला पुरस्कार रामविलास शर्मा को दिया गया था, विलास शर्मा को दिया गया था। वर्तमान में 33वें नंबर का 2023 के लिए दिया गया था पुष्पा भारती, पुष्प भारती उनका संस्करण है ये, यादें यादें और यादें और यादें। इससे पहले दिया गया था 32वें नंबर का 2022 के लिए, वो है ज्ञान चतुर्वेदी, चतुर्वेदी उसका उपन्यास है, उपन्यास है पागल खाना। अब याद किसके कैसे करना, ज्ञान पाने के लिए हमें पागल बनना पड़ता है, इससे ज्ञान से पागल खाना। पुष्पा भारती पुष्प को बार बार याद करते हैं, पुष्प भारती। अब आते हैं हम सरस्वती सम्मान में, जिसे पहले किसे दिया गया था। पहला पुरस्कार डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था और पहली महिला जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया था बालामणि अम्मा को दिया गया था। और इसमें 32वें नंबर का पुरस्कार दिया गया था शिव शंकरी को दिया गया था सूर्य वंशम के लिए। ये शिव शंकरी एक तमिल लेखिका है और इससे पहले 31वें नंबर का रामदरत मिश्र को दिया गया था। इनका बुक का नाम था मैं तो यहाँ हूँ। इसमें याद करना कैसा है, शिव शंकर कहाँ है, सूर्य जैसा चमकता है, सूर्य वंशम। राम बोलता है दशरथ से मैं तो यहाँ हूँ। इस प्रकार ये तो सम्मान है, जो अच्छा लगे तो आप उसको लाइक करना, शेयर करना और आगे और बताना कि कौन कौन से पुरस्कारों के बारे में पढ़ाना है,
ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जय हिंद, आपसे विदा लेता हूँ, थैंक यू।